अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। चाइना ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक हैवी बाइक इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसकी लुक आप देख सकते हैं हैवी बाइक की तरह है। ये 35 cc है और क्योंकि 50 cc से नीचे जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं उन पर किसी भी किस्म के नंबर या रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होती, तो इसमें किसी भी किस्म के कागजात की आपको जरूरत नहीं है। जबकि इसकी टैंकी में पेट्रोल भी नहीं डलता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, और टैंकी के अंदर पेट्रोल की बजाय आपको एक अडोप्टर मिलता है और उस अडोप्टर के आगे एक तार लगी है जिसको आप 220 वोल्टेज जो बाबडा के हमारे घरों में आते हैं उसके अंदर लगा कर इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक दफा बैटरी को मुकम्मल तौर पर चार्ज करने के बाद आप बाइक को 80 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई नॉइज नहीं है, जब ये स्टार्ट होती है तो कोई शोर नहीं होता, आप करीब से गुजर जाएं, जैसे जापानीज गाड़ियां हैं वो स्टार्ट होते हैं उनके इंजन तो पता भी नहीं चलता कि वो इंजन स्टार्ट है या नहीं। इसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली है, इसमें साइलेंसर नहीं है, पेट्रोल नहीं डलता तो धुआं भी नहीं निकलता जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होती, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होती। जबकि आमतौर पर पाकिस्तान में चलने वाली अगर आप बाइक्स को देखें तो उनके अंदर आपको महाना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और उनकी ट्यूनिंग करवाना पड़ती है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी वजह से आपके तमाम खर्चे ये भी बच जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो बाइक है इसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी किस्म की किक की जरूरत नहीं होगी। ये इसकी चाबी है जो कि बिल्कुल गाड़ी की चाबी की तरह है। आप इसको खड़ा करें और खड़ा करने के बाद एक बटन है इसके ऊपर जिसको आप दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी और दूसरे बटन को दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तमाम का तमाम मामला ऑटोमेटिक है। ना इसमें आपको किसी भी किस्म के क्लच की जरूरत है, ना ही किसी भी किस्म के गियर की, बल्कि दोनों तरफ आपके हाथों की ग्रिप के लिए दो ब्रेक्स लगाई गई हैं, अगली और पिछली, जिसको आप बैलेंस के साथ ब्रेक लगा सकते हैं। लुक जो आप इसकी देख रहे हैं बिल्कुल एक हैवी बाइक की तरह है, जो कि हमारी दूसरी बाइक्स होती हैं उनके टायर इंतहाई पतले होते हैं। इसके मोटे टायर हैं जो कि इसकी ग्रिप को रोड पर यकीनी बनाते हैं। और वो तमाम लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो बारिश में इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, तो जनाब इसके अंदर जो बैटरीज लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम वाटर रेजिस्टेंस हैं, वाटर प्रूफ हैं, जिसमें आप इसको घर में धो भी सकते हैं, बारिश में भी चला सकते हैं, किसी भी किस्म के करंट या इलेक्ट्रिक शॉक का खदशा नहीं रहता। चाइनीज इलेक्ट्रिक बाइक के ऑनर याहिया इलाही साहब से पूछेंगे कि उन्होंने इस बाइक को खरीदने का इंतखाब क्यों किया। जी बताइएगा। पहली बात तो ये है कि इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है और बाकी बाइक जितनी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर ना पेट्रोल डलता है ना मोबिल ऑयल डलता है, इसके अंदर मुझे फ्यूल का कोई मसला नहीं होता और इलेक्ट्रिक बाइक है, जहाँ मर्जी मैं चार्ज कर सकता हूँ और इसकी कोई आवाज नहीं है, ना एयर पोल्यूशन है ना नॉइज पोल्यूशन। कितने में खरीदी आपने इसको? 1.5 लाख रुपए में। जब आप लाहौर की सड़कों पर चढ़ते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा पुल शुल भी बने हुए हैं, वहाँ पर इनकी ग्रिप कैसी होती है, इसकी चढ़ाई की पावर कैसी होती है? जैसे आप देख सकते हैं इसके टायर काफी चौड़े हैं तो इसकी ग्रिप तो बहुत अच्छी है और चढ़ाई में भी कोई मसला नहीं देती, इसकी इंजन कैपेसिटी ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इस बाइक पर जब आप बैठते हैं तो बाजुका जब आपने बाइक को रिवर्स करना होता है तो आप दोनों पांव पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं और पीछे करते हैं। इसमें एक रिवर्स गियर भी है बिल्कुल राइट साइड पर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये बाइक ऑटोमेटिकली पीछे जाने लग जाएगी। तो यही इसका कम्फर्ट लेवल कैसा है? इसका कम्फर्ट लेवल काफी अच्छा है, इसकी ड्राइव भी बहुत स्मूथ है और ना इसके अंदर किक लगानी पड़ती है, ये अपनी चाबी से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप इसको स्टार्ट करते हैं इस चाबी की मदद से तो कोई आवाज वगैरह भी आती है? देखिए ये भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसकी कोई आवाज नहीं है। तो ये जो टैंकी बनी हुई है इस टैंकी में पेट्रोल डलता है? नहीं, इस टैंकी में पेट्रोल नहीं डलता, इसके अंदर इसका चार्जर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये है वो चार्जर, ये अडॉप्टर है और ये आप किसी भी जगह पे प्लग इन कर लें, किसी भी स्विच बोर्ड में। आप यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, किसी दोस्त की तरफ गए हैं और इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है तो फिर चार्ज कैसे करते हैं? किसी भी दुकान पे खड़ी करके या रास्ते में किसी दोस्त के घर खड़ा होकर मैं उसके स्विच बोर्ड में लगा के और इसको चार्ज कर लेता हूँ, और इसको मैं यूनिवर्सिटी जाके भी चार्ज कर सकता हूँ आराम से, वहाँ पे भी स्विच बोर्ड है। और आमतौर पर घर पे कैसे चार्ज करते हैं? घर पे रात को जब मैं सोने लगता हूँ तो इसको मैं चार्जिंग पे लगा के सो जाता हूँ। कितने घंटे में चार्जिंग मुकम्मल हो जाती है? 2 आवर्स में। सिर्फ 2 घंटे में जी। इसमें और कौन कौन सी खसूसियात हैं जो हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? इसकी एक तो लाइट्स जो है वो एलईडी लाइट्स हैं तो रात को चलाने में कोई मसला नहीं होता और इसके इंडिकेटर्स भी एलईडी हैं। और दूसरा ये है कि इसकी जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं जो बड़ी बाइक्स में लगी होती हैं और इससे स्लिप नहीं होती बाइक। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरी जो बैटरी है वो 7% रह गई है या 20% रह गई है या खत्म होने वाली है या हाफ है? ये इसकी मीटर पे बार्स आ रहे हैं आपके सामने, इससे पता चल जाता है कितनी चार्ज हुई है। दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी बेहतर है कि हम इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स यूज करें। बाइक इको फ्रेंडली होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी है और देखने वाले यही समझते हैं कि शायद ये बाइक जो है वो 10-12 लाख की है। तो लोग आपसे प्राइस पूछते हैं?
हाँ जी काफी, तो जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ लोग पूछते हैं कि कहाँ से ली है, कितने की ली है और कहाँ से इम्पोर्ट करवाई है। तो हमारे नाज़रीन को बता दें मंगवाई कहाँ से है। ये चाइनीज है पर यहाँ काफी ज्यादा डीलरशिप्स हैं जो इसमें काम करती हैं। तो यहाँ भाई इसका नंबर नहीं लगा हुआ, तो नंबर कब लगवाएंगे। ये 35 cc की बाइक है तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक पे यहाँ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी तक। तो सारी मालूमात आपने याहिया से जानी, अब इसमें पेट्रोल नहीं डलता, आपके ट्यूनिंग का, एयर फिल्टर का, ऑयल फिल्टर का और चेन का, साइलेंसर का सारी मेंटेनेंस भी आपकी जो है वो बच जाती है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहा है और एयर पोल्यूशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंडेक्स रेट भी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में सर फहरिस्त है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी या मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस टैलेंट और स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह।